हाई गायस दिस इज मनमोहन गुप्ता एंड यूर वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज मे बी आप या तो मेरे स्टूडेंट हैं विद्या मध्य क्लासेज में या फिर यू नो यू आर फ्रॉम द सॉफ्टवेयर कंपनी आई कॉम को फाउंडेड लॉन्ग टाइम बैक और मे बी द कंप्यूटर एजुकेशन कंपनी कोडिंग ब्लॉग्स तो गायस ये बड़ा पर्सनल वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अबाउट सुशांत सिंह और आपने सुशांत की फोटो साथ में मैंने लगाई है तो आपने देख लिया होगा और आई एम 200% हंड्रेड परसेंट श्योर कि आपको न्यूज़ तो पता ही है ही डाइड ऑन फोटीन जून एंड द काइंड ऑफ यू नो डेथ ही डाइड ही वॉज ए बोला है कि सुसाइड है और इतने लूप होल्स है इस हैं इसमें और मैं क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाली मुझे क्यों इंस्परेशन uh, मिली है तो मैं पहले वो बात कर दूँ नहीं तो मतलब ये ना हो कि यार हुआ एम आई टू टॉक अबाउट दिस का यू नो तो पहले तो Uh, uh, मैंने फील किया है क्योंकि इतने लोग कह रहे हैं कि अगर आवाज़ उठानी है तो हर एक को सामने आना पड़ेगा और मैं क्यों वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ बिकॉज़ सुशांत सिंह वॉज़ वी एम सी स्टूडेंट लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक इन टू थाउजेंड टू टू आई गैस बहुत तो मुझे तो याद भी नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग बिकॉज आई सॉ हिज वीडियो एंड ही मैंशन दैट ही वॉज ही जॉइंट वी एम सी अगर वी एम सी उसने जॉइन किया था उस टाइम पर जो कि ऑलमोस्ट अट्ठारह साल हो गए हैं इतनी पुरानी बात है तो मैंने ही पढ़ाया होगा बिकॉज दट टाइम वी एम सी हैड ओनली वन सेंटर विच इज़ इन यू नो पंजाबी बाग तो ही वॉज माई स्टूडेंट एंड बींग लाइक यू नो हिज टीचर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम फॉर्वर्ड एंड रेस द वॉइस So, and apart from that, I am a big time fan of Shashank Singh. His acting is the If you have picture, I a fan. And second, the big, another big reason is that my wife is uh, from Bihar, Patna. His whole family is from there. And she is also a big, big time fan of Shashank Singh. And the way he acts and the way, you know, being given. Uh, uh, To, uh, DC Dtu which is now is a Dtu and seventh rank he took in in the exam which used to conduct uh, for the for the daily and around students so definitely no doubt he was a very bright student so and and he a very bright guy I would say genius guy I would say so and maybe you know मतलब हर आदमी अगर बोल रहा है जिसको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जो उसके fan हैं या जिनको पेन है जो कंसर्न है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट ऐसे चला जाए और उसको कह रहे हैं सुसाइड है और सुसाइड भी मैं तो मैं आता हूँ उस पर कि मतलब हंसी आती है एक कॉमन सेंस लगाओगे कि चलो फाइनली प्रूव सुसाइड हो नहीं हो बट डेफिनेटली एक इंक्वायरी बनती है इसके अंदर क्योंकि इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं तो बनता है बिफोर आई वॉन्ट टू यू नो स्ट्रेस माई पॉइंट आई वॉन्ट टू यू नो आई रियली फील द पेन दो आई एम नॉट

टू हिम वी आर जस्ट अ फैन वी नो हिम एज अ स्क्रीन एम एज या कोई न्यूज़ पढ़ ली तो हम उस लेवल पर कनेक्ट तो नहीं हो सकते हैं हम बट वी आर वेरी पेनफुल कि जो जस्टिस है मिलना चाहिए मतलब ऐसे कैसे इतना बड़ा एक्टर इतना बड़ा इंटर स्मार्ट आदमी ऐसे कैसे गायब हो गया और मतलब उसके मर्डर में मिस्ट्री है तो हर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है और थ्रू दिस वीडियो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ छोटी है मैं बहुत छोटा आदमी हूँ मैं तो टीचर हूँ एक लेकिन मेरा इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि जिसको मैंने पढ़ाया होगा लॉन्ग टाइम बैक कि मैं अगर उसके मर्डर में कोई या उसके सुसाइड में मुझे नहीं पता मैं आई एम नॉट द वन हु कैन डिसाइड एनी थिंग बट डेफिनेटली दे सो मैनी लूप होल्स तो मैं अपनी आवाज़ भी जैसे बाकी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपका आप फील भी कर रहे हैं और मैं तो खैर हमारे यहाँ पढ़ा है तो तो कुछ तो कनेक्शन है तो मेरे को भी हक़ बनता है मेरा भी मैं भी फील करता हूँ मैं भी इतने दिन से यही न्यूज़ यही सब कुछ चल रहा है कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं नहीं मिल रही है कि रियल हो क्या रहा है तो गाइस पहले देखो मैं तो बहुत बड़ा आघात किस्टी का फ़ैन था बिल्कुल स्कूल टाइम से तो मैंने तो उसके 50 नावल्स को टाइम में ही पढ़ लिए थे और मतलब अकाधा हिस्ट्री के हर मर्डर में अगर आप देखेंगे मतलब मैं अगाधा हिस्ट्री का नाम क्यों ला रहा हूँ बिकॉज शी इज़ अ लेडी हु इज़ द बिगेस्ट नावल राइटर इन मर्डर मिस्ट्री हर मर्डर में तो मर्डर लगता ही नहीं है उसके वो हमेशा ऐसे लगता है कि मतलब वो तो कोई सुसाइड हुआ है या कुछ आ, मतलब मोस्टली यही होता है कि मतलब या मर्डर चला गया लेकिन कौन मर्डर है पता नहीं चल रहा है इस पर शक है वो वो मर्डर नहीं है कोई और है तो लेकिन बाद में फिर वो दिखाते हैं कि कैसे वो मिस्ट्री सॉल्व होती है मैं उसमें नहीं जाता लेकिन मतलब यहाँ भी ऐसा ही है मतलब किस किस तरह की चीज़ें बता नहीं सकता कि मतलब इतनी बेड चीज़ें हैं कि सी सी टी वी कैमरा आपको पता ही है अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मतलब आपने ये सब चीज़ें सारी सुनी हुई हैं कि कितना लूप फोला है पहली बात तो मैं बता रहा हूँ कि डिप्रेशन वाला आदमी मरता है सुसाइड करता है ये सलाह दिमाग में बिठा दिया है ये कभी ऐसा नहीं होता आप डेटा चेक करो कि पहले उनमें से भी जो सुसाइड करते हैं डिप्रेशन वो होते हैं जो अंडर ट्रीटमेंट नहीं होते हैं ट्रीटमेंट लेने नहीं जाते हैं और उसमें भी क्रोनिक डिजीज़ बनती है बहुत टाइम लगता है उसमें सिचुएशन को उस लेवल पर आने के लिए कि कोई डिप्रेस पर्सन सुसाइड करे और जो आदमी सेक्रेट्रिस्ट के पास जा रहा है दवाई ले रहा है ना भी खाए इसको ईयर्स लगते हैं बिल्ड होने में सुसाइड so करना कोई खाली एक फैक्टर नहीं होता कि आदमी कि अगर कोई मेडिसिन खा रहा है कोई सेकेट्रेस को दिखा रहा है मैं ऐसे आई लिव इन यू एस यहाँ तो मतलब मतलब यहाँ तो मतलब इट्स लाइक वेरी नॉर्मल दैट यू नो यू आर गोइंग टू अ काउंसलर और यू आर गोइंग टू अ अकेट्रेस इट्स अ नॉर्मल डिजीज़ जैसे किसी को डायबिटीज़ है ब्लड प्रेशर है किसी को यू नो अस्थमा है किसी को हाइपर टेंशन है तो सारा मतलब किसी को थायरॉयड uh, की प्रॉब्लम है जैसे आप मेडिसिन खाते हैं रेगुलरली इट्स अ सेम थिंग सो ये जो कहना कि कि डिप्रेशन है और बंदा सुसाइड कर रहा है मतलब दिस इज़ टोटली टोटली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है और सुसाइड में करने का रीज़न भी तो चाहिए होता है कि आदमी सुसाइड करता है क्यों क्योंकि उसका करियर खराब चल रहा होता है उसका मतलब कोई ना कोई रीज़न होता है ट्रिगर करने के लिए मतलब हीज द गाय उस करियर वॉज शाइनिंग एंड ही वॉज़ अबाउट टू गेट मैरिड मैरिज में भी मतलब आदमी होता है कि मतलब प्यार में दुखा खा रहा है आदमी को जिससे प्यार किया है वो नहीं मिल रहा है मतलब एक वन ऑफ द बिग रीज़न कि आप इतना परेशान हो गया लगता है एंड ऑफ द लाइफ करूँ क्योंकि मुझे आई लव सम वन एंड आई नॉट गेटिंग टू यू नो आई एम नॉट गेटिंग दैट पर्सन इन माई लाइफ दट्स अ वेरी बिग रीज़न बट वो रीजन भी नहीं यहाँ पर ही वॉज़ अबाउट टू गेट मैरिड तो अगर आप रीजन ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा स्मार्ट मतलब सोसाइटी लेटर नहीं है जो आदमी इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो जा रहा है अच्छा उससे पहले वो जो भी इंफॉर्मेशन जो मिली है मुझे नहीं पता क्या है कि पब्लिक जब पुलिस जितनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है भाई जो हमें न्यूज़ से मिल रही है या सोशल मीडिया से मिल रही है कि भाई उसने जूस पिया उसने अपना वीडियो गेम खेली यार वीडियो गेम खेलने में तुम्हारा इतना ज़्यादा मतलब तुम्हारी बॉडी और माइंड की इन्वॉल्वमेंट होती है तुम डिफरेंट स्टेट में चले जाते हो वीडियो गेम खेलना आसान नहीं है इतनी बड़ी एडिक्शन है इतना बड़ा नशा है तुम्हें वहाँ जब खेलते हो जाके तुम सुसाइड करने वाले हो थोड़ी वीडियो गेम खेल लो ऐसा नहीं होता है ऐसा कभी नहीं हो सकता मतलब कॉमन सेंस आदमी का नहीं कह रहा और यही लाखों लोगों का कह रहा है कि उनको यही तो उनको क्यों हर आदमी कह रहा है कि इतने अच्छे इतने सुसाइड होते हैं कभी ने बोला है कि इसको क्या कहते हैं आप कुछ गड़बड़ लग रही है इसको आप सी को दो एक्स्ट्रा इंक्वायरी करो कभी नहीं कहते लोग इसके लिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि इतने सारे लूप हो रहे हैं लोगों ने इतनी वीडियो बनाई है कि यार मतलब हाउ कैन समबडी यू नो हैंग हिमसेल्फ यू नो इन अंडर द सर्कमस्टांसेस जो उसके रूम में थे वो बेशक द क्लॉथ उसने यूज किया या उसने यू नो द वे ही डिड सुसाइड इट्स इट्स वेरी वेरी एब नॉर्मल नॉट पॉसिबल तो जब इतने लूप होल्स हैं इसके अंदर राइट एक दिन पहले पार्टी होती है घर पे ठीक है वो पार्टी क्यों हुई कैसे हुई ये नहीं पता किसी को लेकिन कोई अगर डिप्रेस आदमी अपने घर पार्टी रख रहा है पहले और अगले दिन सुसाइड कर रहा है सुबह तो ये तो मतलब इतनी ज़्यादा इन चीज़ों में मतलब चीज़ें हैं इसकी है। और फिर मैनेजर की डेथ कुछ टाइम पहले हो रही है फिर वो नेपोटिज्म की बात हो गई है नेपोटिज्म वगैरह की बातें सब वो मिसलीडिंग है मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक की ही विल जस्ट डू सुसाइड बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म वो करता है सुसाइड कर सकता है वो डिप्रेस होगा इसका करियर बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म डाउन जा रहा है

काफ़ी लोग गलत बात भी कर रहे हैं मान लो गलत बात कर रहे हैं औरों को ब्लेम कर रहे हैं ये कर रहे हैं बट क्या करें उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और स्पेशली सपोर्ट करने के लिए आम आदमी आ रहा है जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी जो क्लोज है जो जानता है जो इन्फ्लुंस कर सकता है बेशक वो मीडिया हो या पुलिस हो या सी बी आई हो या या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो वो नहीं बोल रहा है तभी तो सारी कन्फ्यूजन हो रही है अगर वो बोलते तो हम जैसे लोगों को बोलने आने की क्या जरूरत है आज कोई पहली बार ऐसा केस नहीं हुआ है सालों से ऐसे केस हुए हैं लेकिन कब पब्लिक ने अपनी आवाज़ उठाई है कभी नहीं उठाई और ये पॉलिटिशियंस हैं कमाल के लोग होते हैं जब इनको वोट चाहिए होता है तो जनता 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 कर रहे होते हैं आज जनता कुछ चाह रही है तो ये कोई नहीं बोल रही ये कोई और सीबीआई इंक्वायरी क्या होता है अगर आप देखेंगे एक ऐरे गहरे केस में भी सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है जिसमें आम आदमी को जनता का भी फर्क नहीं है लेकिन यहां से भी इंक्वायरी नहीं हो रही क्यों क्यों नहीं हो रही क्योंकि कंफ्यूजन है ही नहीं पुलिस ने डिसाइड कर लिया सुसाइड है इसलिए केस ही नहीं बनता कंफ्यूजन ही नहीं बनती कंफ्यूजन नहीं बनती तो सीबीआई इंक्वायरी भी नहीं होगी सीबीआई इंक्वायरी कब होती है कि यार मर्डर हो गया अब वो सॉल्व नहीं हो रहा है जब सॉल्व नहीं हो रहा है तो सीबीआई को बुलाना पड़ता है यहां तो कह रहे हैं मर्डर ही नहीं है तो पहले से ही सीबीआई ना आए तो कहना शुरू हो दिया कि सुसाइड है कहना सबने सबने मान लिया सुसाइड है सबको सुसाइड है क्योंकि भाई आदमी लटका ही होगा मरा पड़ा है तो लटका ही होगा और मतलब मुझे तो पता नहीं कि मुझे को आई इनफॉर्मेशन किसी को नहीं पता वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि भाई जब पुलिस ने आया क्या जमशन थी क्या बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि गर्दन खोट के मार गया इसलिए सुसाइड है तो यार देखो मतलब मेरे को आई एम यू नो और मतलब और चीज़ें भी हैं फिफ्टी सिम्स उसने अपने चेंज किए हैं बिकॉज ऑफ द थ्रेड बिकॉज कौन चेंज करता है मेरे पास तो वही सिम है जो मैं पता नहीं दस साल से एक ही सिम यूज़ कर रहा हूँ मैं फ़ोन का इंडिया का वही फ़ोन नंबर है जो मेरा दस साल पहले था वही है सेम फोन नंबर है मेरा दस नहीं पंद्रह साल उससे जब से जब से मत नहीं मोबाइल फोन लिया तब से वही सेम है कौन चेंज करता अपना नंबर कोई किसी को तंग करता है तभी तो नंबर चेंज कर चेंज करता है तो एक बार करता है दो बार करता है तीन बार करता है, बार करता है इतनी बड़ी चीज की पचास सिम चेंज करे पचास करे तीस करे बीस करे अगर सारा पांच भी क्यों तो इंक्वायरी नहीं बनती कि इस केस में कि बंदा आदमी सिम क्यों चेंज करेगा इतना बड़ा आदमी फ़ोन बंद करके रख लेगा अपने से बात नहीं करनी हाँ दो फोन रख सकता है एक नॉर्मल फ़ोन जिस पर लोगों को पब्लिक नंबर है एक और फोन जिसमें पर्सनल कॉल करनी है बार फोन यही अपने आप में रीजन है कि एज्यूम करना है कि सुसाइड नहीं हो सकता होगा हो यही इतना बड़ा रीजन है और इतने रीजन है लेकिन इससे बड़ा रीजन क्या हो सकता है कि आदमी पागल इतना अपना और हम तो वही बोल रहे हैं जो इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें नहीं पता फैट क्या है जिसको पता वो आके सामने बोले वही सपोर्ट करे तो देखो गैस मेरा तो सिर्फ मैं वही आवाज़ उठाना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं मेरा भी यही है जो बाक़ी लोग जो सोशल मीडिया पे सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो भी फ़ैन है मैं भी फ़ैन हूँ और मैं मैं उसका टीचर भी रहा हूँ सालों पहले चलो इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक बट स्टिल इतना फ़र्ज तो बनता है कि लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाना है कि ये केस सॉल्व होना चाहिए वो कुछ भी नतीजा निकले लेकिन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है वेराइज की एरा गैरा केस हो कुछ भी ऐसा केस होता है सला सी इंक्वायरी बैठ जाती है लेकिन जिस केस में जिसमें अगर आप वोट करा लो मैं कह रहा हूँ पटिशन करा लो कितने लोग चाहते हैं इसके अंदर इक्वरी मैं कह रहा हूँ कि कम से कम मिलियंस ऑफ़ पीपल विल से मिलियंस ऑफ पीपल आप देखा उसका ट्रेलर रिलीज हुआ फोर्टी मिलियन मैंने देखा था फोटी मिलियन तो मैंने नंबर देखा उसके ऊपर भी चला गया होगा इतने लोग उस ट्रेलर देखे बिकॉज अपना सपोर्ट किसी ट्रेलर में इतने व्यू क्यों नहीं आते हैं इतने बड़े बड़े एक्टर होते हैं इतने क्यों नहीं आते हैं स्टार हैं खांस हैं अमिताभ बच्चन हो जाए अक्षय कुमार हो जाए मतलब ऑल दीज पीपल दे आर द ग्रेट पीपल इनका ट्रेलर रिलीज होता है तो लोग पागल हो जाते हैं मूवी के लिए अंदर लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग अपना सपोर्ट दिखाने के लिए ट्रेलर देख रहे हैं उसका तो अगर इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि केस सॉल्व होना चाहिए वट एवर इज़ अ रीज़न तो होना चाहिए मतलब क्यों कर नहीं पा क्यों नहीं कर पा रहे हैं सी बी तो है यार लोगों से हमसे पैसे ले लो अगर खर्चा होता है क्या होता है मुझे नहीं पता अगर मतलब और स्टाफ रखना है लोगों से पैसा मांग लो हम सपोर्ट करने को तैयार है कि यार बता इसको लेकिन आर तो पार करो प्रॉब्लम है वो कह रहा है ये एंड वी एज सिटीजन वी यू नो गवर्नमेंट को हमने वोट दे के है हमारा बनता है कि हम लोग भी फैक्ट क्या है वो हमारा यू नो वी हैव टू नो दिस फैक्ट गाइस मतलब मेरा तो यही था कि लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाना क्योंकि आवाज़ तभी सुनी जाती है जब आवाज़ लाउड होती है जब दो लोग बोलते हैं नहीं सुनाई देती पांच लोग बोलते हैं थोड़ी गूंज होती है अगर पचास सौ पाँच सौ हज़ार लाखों लोग बोलेंगे तभी आवाज़ होगी आवाज़ यही पहुंचानी है कि यार इस केस को सॉल्व करना है सुसाइड मान के बंद नहीं करना है यही मेरा आइडिया था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट मेरा सिर्फ बिकॉज आई एम अ बिग टाइम फैन ऑफ़ सुशांत एंड दैट्स मी एंड माई वाइफ एंड दैट्स अ वॉइस आई वॉन्ट टू रेज टू एवरी वन थैंक यू फॉर यू नो लिसनिंग दिस वीडियो